जैसे धुएं, उस महापुरुष को नमन और याद करने के लिए जिसने अपना जीवन कैसे समाज देखता हो, कैसे समाज की कुरीतियों से ऊपर उठा जाए, कैसे इस देश को आजादी मिले, प्रत्येक समाज को शिक्षा का अधिकार मिले, इस संघर्ष में इस देश की प्रगति कैसे हो, इस देश का संविधान जो इस देश की एकता को बनाए रखे वो कैसा बने, इसके ऊपर अपना जीवन पूरा निछावर पर मेरा काम। आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं और बहुत सी ऐसी उनके जीवन की चीजें हैं जो शायद यहाँ बैठे अधिकतम लोगों के जीवन में कहीं सुनने को नहीं मिली। जैसे जब वो प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला लेने गए तो स्कूल में दाखिला देने से मना कर दिया और ये कह दिया गया कि स्कूल में तो चुनिंदा सामाजिक लोग आ पाएंगे, मगर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और धीरे 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 परिवर्तन लाने का काम किया। आज ये नतीजा है कि परिवर्तन ऐसा है कि राइट टू एजुकेशन में शिक्षार्थी देखी जाती है, हर भारतीय नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिलने लगता। बुजुर्ग युवा साथियों, इस देश का संविधान 90 से ऊपर देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उनको सबको एकत्रित करके और कैसे अलग अलग प्रांत एक होकर एक यूनियन बनकर काम करें, उसको 3-3.5 साल में उस कमेटी ने मिलकर पूरा किया। मगर वो समय भी आया कि हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर को बुलाने का सोचा। 1990 तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पार्लियामेंट में कभी याद नहीं किया, मगर वीपी सिंह जी की सरकार थी, 30 या 31 मई को चौधरी देवीलाल जी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाने का काम किया कि एक पार्लियामेंट के अंदर जहां अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैच्यूज है उनके बराबर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैच्यू लगाने का काम किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में उसको पारित किया। और दूसरा, जिस महापुरुष ने इस देश का संविधान लिखा, जिस महापुरुष ने सामाजिक बराबरी की बात करी, उसको इसका देश का सबसे बड़ा गौरव भारत रत्न देने का काम किया और 1990 में प्रस्ताव लाया गया और 1991 में बाबा भीमराव अम्बेडकर को इस देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न संविधान ने दिया। बुजुर्ग युवा साथियों, आज इस अवसर पर एक चीज जरूर कहूं कि हमारे जीवन में ऐसे महापुरुष जरूर प्रेरणा के तौर पर होने चाहिए, जिन लोगों ने वो समय भी देखा जब सूत्र सूत्र की बात करी जाती, वो समय भी देखा जब गांव के कुएं भी समाज के हिसाब से बांटे जाते और उसको कैसे बदला जाए, समय अनुसार कैसे परिवर्तन किया जाए, उसमें भी काम। और आज हम उठाकर देखते हैं तो मेरे ख्याल से पब्लिक हेल्थ वाले पर टूटी लगाते रहेंगे कि मुश्किल कौन सी जाति का घर है, सबके बराबर वही पानी आता है।
सरकारी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई दाखिले के समय जाती नहीं थी। आज इस संविधान ने हमें ताकत दी कि सब बराबर, और वो ऐसे महापुरुषों को दौलत हुआ जिनने अपना जीवन उस संघर्ष में व्यतीत किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष। मैं तो बोलूंगा एक इंस्टीट्यूशन संस्था थी, मैं बधाई दूंगा धोले को कि गांव के अंदर आज ये निर्णय भी दिया गया है कि उनकी याद में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की याद में अम्बेडकर भवन का निर्माण राणा में किया जाएगा। और मैं साथ में एक चीज कि निर्माण भवन का जरूर कर ले, सारे मिलके उसमें चाहे एक एक ईंट का योगदान दे सामाजिक तौर पर। मैं मेरी तरफ से योगदान देना चाहूंगा कि उस भवन में एक किनारा ऐसा बनाया जाए जिसको इस इलाके की सबसे मॉडर्न लाइब्रेरी के तौर पर डेवलप करे, कि शिक्षा में भी वो भवन अपना योगदान। और उसके लिए मैं मेरे डिस्क्रिप्शन से 21 लाख रुपए मंजूर करता हूं कि ये जितने युवा बच्चे बैठे जिनको चाहे यूपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जो एग्जामिनेशन इस देश में होता है उस लाइब्रेरी में वो किताबें, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज उपलब्ध कराकर देने का काम करेंगे। शिक्षा का स्तर भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की याद में आगे हम बढ़ाने का काम। और साथ ही साथ मैं तो आप सब से आज इस पावन अवसर पर चाहूंगा कि हमारा एक वादा भी था कि कुरुक्षेत्र के अंदर रविदास मंदिर का निर्माण किया जाए, और मैंने जिम्मेवारी चौधरी ईश्वर सिंह जी की लगाई थी विधायक, और स्थान का चयन हो चुका। और मैं तो सभी साथियों से चाहूंगा कि योगदान के तौर पर एक ईट आप ला के दे सके, वहां एक ऐसा मंदिर का एजुकेशनल आप बनाए जो उस महापुरुष को याद भी रखे, उनके बारे में रिसर्च भी करे, और साथ में नई पीढ़ी को शिक्षा देने का काम करे। और उसके लिए मैं अपनी 1 साल की जो तनख्वाह है विधानसभा की, उस मंदिर और कॉलेज के निर्माण के लिए देना चाहूंगा। बुजुर्ग युवा साथी थोड़े ने कई चीजें, मेरे को गांव की अलग अलग गली है, कोई और है, ये डिमांड के तौर पे दी है। इस राणा के लिए तो पहले भी कोई कमी नहीं रही, और आपके तो पड़ोस में अब जो रिस्ट्रिक्शन थी टाउन प्लानिंग की, वो सारी भी दूर कर दी गई है। इस देश पहली ग्रामीण मॉडल कॉलोनी अगर कहीं बन रही है तो आपके पड़ोस में चौधरी देवीलाल मॉडल कॉलोनी बन रही है। अब उसका जल्द निर्माण भी हम शुरू कर देंगे, मगर जो और गांव के डिमांड है, और जयनम तो एक और मोटी डिमांड लिया पूरे हल्के की, मैंने तो ना तो इस राणा के लिए कभी कोई कमी छोड़ी ना आके छोड़ेगी। आप काम बताने वाले पड़े, जिसकी फिजिबिलिटी है वो काम कराने की जिम्मेवारी सरकार की है, हमारी है, पहले भी कराते आए और आने वाले समय की और जो विकास के लिए होगा उन कार्यों को भी पूरी तौर पर स्पीड की गति के साथ हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण तमाम राणा वासियों का, जो आज आप यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए, तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाओं का, चाहे वो संत रविदास समिति हो, चाहे वो प्रजापत समिति हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रचार समिति हो, गुरु रविदास महापीठ समिति हो, महर्षि कश्यप सेवा समिति हो, सत्य शोध